आदरणीय सभापति जी, एनपीआर की भी काफी चर्चा हो रही है। जनगणना और एनपीआर सामान्य प्रशासनिक गतिविधियां हैं जो देश में पहले भी होती आई है, लेकिन जब वोट बैंक पॉलिटिक्स की ऐसी मजबूरी हो तो खुद एनपीआर को 2010 में लाने वाले लोग आज लोगों में भ्रम फैला रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। नहीं, आपका शब्द रिकॉर्ड में नहीं जाएगा, कारण के चुनाव है, यूपीए के चुनाव है, आप एक पार्टी है, यूपीए के तत्कालीन गृह मंत्री, यूपीए के तत्कालीन गृह मंत्री ने आप एनपीआर के शुभारंभ के समय सभापति जी, अगर आप शांति देश आजाद हुआ, आदरणीय सभापति जी, प्लीज देश आजाद हुआ, यू हैड योर से, दिस इज नॉट गोइंग ऑन रिकॉर्ड, यू आर वेस्टिंग योर यूजफुल एनर्जीज, प्लीज ऐसा मत करिए। प्राइम मिनिस्टर इज लीडिंग द नेशन ना, सो नेचुरली ही हैज टू स्पीक। आदरणीय सभापति जी, अगर आप फैक्ट्स कैन नॉट बी विदाउट रिकॉर्ड ना, देयर शुड बी सम अकॉर्ड अबाउट द रिकॉर्ड। आदरणीय सभापति जी, अगर आप सेंसस भी देखेंगे तो देश आजाद होने के बाद पहले दशक में कुछ सवाल होंगे, दूसरे दशक में कुछ सवाल निकाल दिए होंगे, कुछ जोड़े होंगे, जैसे जैसी आवश्यकता वैसी है हर चीज में। ये गवर्नेंस के विषय होते हैं, छोटे मोटे बदलाव होते रहते हैं। हम अफवाहें फैलाने का काम न करें। हमारे देश में पहले मातृभाषा का इतना बड़ा संकट कभी नहीं था, मातृभाषा पर इतना बड़ा संकट पहले कभी नहीं था। आज सूरत के अंदर उड़ीसा से माइग्रेट होकर के बहुत बड़ी संख्या में लोग आए हैं, और गुजरात सरकार ये कहे कि हम उड़िया स्कूल नहीं चलाएंगे, कब तक चलेगा? मैं मानता हूं कि सरकार पर जानकारी होनी चाहिए कि कौन कौन सी मातृभाषा बोलता है, उसके पिताजी कौन सी भाषा बोलते थे, तब जाकर के सूरत में उड़िया स्कूलों को चालू किया जा सकता है। पहले माइग्रेशन नहीं होता था, आज जब माइग्रेशन होता है, कभी आवश्यक होता है, किन जिलों में से, आप चिंता मत करो, रिकॉर्ड में नहीं जा रहे, टीवी में नहीं आ रहे, आप क्यों चिंता करते हैं? ये पद्धति नहीं है, प्लीज बैठ जाइए, प्लीज कृपया बैठ जाइए। आदरणीय सभापति जी, ठीक है, पहले हमारे देश में माइग्रेशन बहुत कम मात्रा में होता था, समय रहते रहते शहरों के प्रति लगाव बढ़ना, शहरों का विकास होना, लोगों के एस्पिरेशन बदलने, तो पिछले 30-40 साल में हम लगातार देख रहे हैं कि माइग्रेशन नजर आता है। अब ये माइग्रेशन का मैं भी आज जब तक दिस इज नॉट द फेयर, किन जिलों से ज्यादा माइग्रेशन होता है, कौन जिलों से लोग जिला छोड़कर के जा रहे हैं, इसकी जानकारी के बिना उस जिले के डेवलपमेंट को आप प्राथमिकता नहीं दे सकते। आपके लिए आवश्यक है कि आपने और ये सारे, और दूसरा, इतनी अफवाहें फैला रहे हो, लोगों को गुमराह कर रहे हो। आपने तो 2010 में एनपीआर लाए, हम 2014 से यहां बैठे हैं, क्या इसी एनपीआर को लेकर के किसी के लिए सवालिया निशान हमने खड़ा किया? क्या रिकॉर्ड तो हमारे पास है, क्या नहीं है? क्यों झूठ बोल रहे हैं, क्यों मुहूर्त बना रहे हैं? हमारे पास है आपके एनपीआर, आपका एनपीआर का रिकॉर्ड हमारे पास है, आपके समय का एनपीआर का रिकॉर्ड है। इस देश के किसी भी नागरिक को उस एनपीआर के आधार पर प्रताड़ित नहीं किया गया।
इतना ही नहीं, आदरणीय सभापति जी, यूपीए के तत्कालीन गृह मंत्री एनपीआर के शुभारंभ के समय हर सामान्य निवासी यूजुअल रेसिडेंट के एनपीआर के एनरोलमेंट की आवश्यकता पर विशेष बल देते हुए कहा था, हर किसी को इस प्रयास का हिस्सा बनना चाहिए। उन्होंने बकायदा मीडिया से भी अपील की थी कि मीडिया एनपीआर का प्रचार करे, लोगों को शिक्षित करे, लोग एनपीआर से जुड़े। वो उस समय के गृह मंत्री ने सार्वजनिक अपील की थी। यूपीए के ऑर्डर देन में पॉइंट 2010 में एनपीआर लागू करवाया, 2011 में एनपीआर के लिए बायोमेट्रिक डेटा भी बायोमेट्रिक डेटा भी शुरू कर दिया। मैंने पहले ऑर्डर ला, आप जब यू कांट क्रिएट ऑर्डर एंड डिमांड ऑर्डर, 2014 में सरकार से गए, उस समय तक एनपीआर के तहत करोड़ों नागरिकों की फोटो स्कैन कर रिकॉर्ड मेंटेन करने का काम पूरा कर लिया गया था और बायोमेट्रिक डेटा कलेक्शन का काम प्रगति में था। ये आपके कार्यकाल की मैं बात बता रहा हूं। आज जब हम अपने आपके द्वारा तैयार उन एनपीआर रिकॉर्ड्स को 2015 में अपडेट किया और इस एनपीआर रिकॉर्ड्स के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जैसी सरकार की तमाम योजनाओं में जो छूट गए लाभार्थी थे उनको शामिल करने के लिए आपके द्वारा तैयार किया गया एनपीआर के रिकॉर्ड का सकारात्मक उपयोग हमने किया है और गरीबों को लाभ पहुंचाया है। लेकिन आज सियासी माहौल बनाकर आप एनपीआर का विरोध कर रहे हैं और करोड़ों गरीबों को सरकार की इन जन कल्याणकारी योजनाओं का हिस्सा बनने से रोकने का हम पाप कर रहे हैं। अपने तुच्छ सियासी नैरेटिव के लिए जो भी ये कर रहे हैं उनकी गरीब विरोधी मानसिकता प्रकट हो रही है। 2020 की जनगणना के साथ साथ हम एनपीआर रिकॉर्ड्स को अपडेट करना चाहते हैं ताकि गरीबों के लिए चल रही ये योजनाएं और ज्यादा प्रभावी तरीके से और ईमानदारी से उन तक पहुंच सके। लेकिन क्योंकि अब आप विपक्ष में हैं तो आपके ही द्वारा किया गया एनपीआर आपको ही बुरा दिखाई देने लगा है।